ग्राहक सुधा केंद्र पर तोड़फोड़ और लूट से हड़कंप, रुपए निकालने पहुंची महिलाओं ने मारपीट के बाद लूट की घटना को दिया अंजाम। ग्राहक सुधा केंद्र के संचालक ने आधा दर्जन से अधिक पर लगाए मारपीट और लूट के आरोप। गोलक से 3 लाख रुपए किए गए पार। कन्नौज के त्रिवा कोतवाली क्षेत्र के जसपुरा पुरसरैया बाजार का मामला, लूट की घटना से मचा हड़कंप। क्या मामला हुआ? मामला यह था कि मैं कैश काउंटर पे बैठा था और 5-6 लेडीज़ आई और 2-3 आदमी आए और बाहर खड़े रहे। उन्होंने कहा पैसा निकालिए। हमने कहा सर्वर नहीं है, रुक जाओ अभी। इतने में वो अपशब्द बोलने लगी, हमने मना किया तो उन्होंने मेरा लैपटॉप उठा के पटक दिया, फोड़ दिया, डिवाइस तोड़ दी। हमने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, मोबाइल उन्होंने छीना और तोड़ फोड़ दिया। इसके बाद में मेरा कैश रखा था, 2-3 लेडियाँ अंदर घुसाई, कैश निकाल लिया और निकाल के उन दोनों 3 लोग बाहर खड़े थे व्यक्ति, उनको दे दिया, वो बाइक से लेके भाग गए। कहाँ गए थे कुछ पता है? हाँ, ये उत्तिमापुर पट्टी गांव है। कौन लोग थे ये? मनेश्वर कटेरिया, उनकी पत्नी थी मुन्नी देवी, उनकी एक बेटी थी और एक प्रदीप कुमार उर्फ पप्पू, और उनका जो उनकी पत्नी थी और उनकी एक बेटी भी थी और मनेश्वर का लड़का भी था। इतने सारे लोग थे, मारा पीटा हमको, कपड़े फाड़ दिए। कितने रुपए थे? रुपए लगभग 3 लाख के करीब थे।